मायाया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परमृतमजं ब्रह्मदत्तं नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुको उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हुए अभी हम लोग सातवां मूल मंत्र पर खड़े लगभग समाप्त होने जा रहे हैं। यहाँ पे स्वप्न सुषुप्त में जो भी कुछ दिखा करके आया था सूत्र स्वयं अपने आप ये निश्चित कर देते हैं कि ये आत्मा का धर्म नहीं है। उपाधि के साथ मिल करके वो ऐसा प्रतीति होते हैं ये आत्मा का धर्म नहीं है, और इसलिए कि ये कौन सत्य है कौन जो व्यभिचार करता है वो मिथ्या मानते हैं। जिस रूप से आपने जिसको निश्चय किया परंतु जब आप उसको ग्रहण किया तब आपको उस रूप नहीं मिल रहा, भिन्न रूप में मिल रहा, प्रतिक्षण परिवर्तन होता जा रहा है, नाश की ओर बढ़ते हैं, इस प्रकार की वस्तु को वेदांतिक शब्दों से मिथ्या कहा जाता है। अब जो आपने स्वरूप से कभी भी व्यभिचार नहीं करता, जिस रूप में निश्चय किया हमेशा उस रूप में रहता है, उसको हम सत्य बोलते हैं। सामान्य नियम यही आपको दिख रहा है। अब जो है ये सब का निषेध कर देने के कारण मतलब ये व्यभिचार करते हैं, इसलिए पारमार्थिक नहीं है आत्मा, ये पारमार्थिक सत्य वस्तु है और उसी के ज्ञान से जीव के आत्यंतिक दुख निवृत्त जन्मवृत्ति के बंधन छूट जाते हैं। सृष्टि पारमार्थिक होना संभव नहीं है क्योंकि जिसको सृष्टि के मूल कारण के रूप में दिखाया गया है उसमें किसी प्रकार का विकार होना संभव नहीं है, कोई क्रिया होना संभव नहीं है, परिच्छिन्न होना संभव नहीं है। उपादान कारण हमेशा जड़ और परिच्छिन्न होता है। जनता के जगत का भिन्न निमित्त उपादान कारण हम ब्रह्म को ही मानते हैं, परंतु ये विवर्त उपादान कारण है, परिणामी उपादान कारण नहीं है। विवर्त उपादान कारण है, परिणामी उपादान कारण नहीं है। इसको आप ये कहते हैं क्योंकि इसको किसी भी प्रकार शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता, इसीलिए ये अदृष्ट मतलब ज्ञानेन्द्रिय गम्य नहीं है, ठीक है ना। फिर बोलते हैं अदृष्ट इसको अपने पकड़ में मतलब हे उपाधि नहीं है, तो इसके द्वारा कुछ व्यवहार भी नहीं हो सकता, व्यवहार भी नहीं हो सकता। मैं ले सकता हूँ, दे सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, व्यवहार होगा, इसलिए बोलते हैं अव्यवहार। फिर बोले अग्राह्य, अग्राह्य मतलब कर्म इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता, कर्म इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता। फिर जो है अलक्षम सूत्र बोल कर कहे थे, अलक्षम मतलब अलिंगम बोला, तब बोलते आप लक्षण होता है इसका सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, इसे इसका लक्षण नहीं है ये नहीं बोल सकते हैं। और फिर आप बोलेंगे कि नहीं इसका कोई लिंग नहीं है, नहीं नहीं कोई है वो अन्नत का प्राण जगेश आकाश आनंद नशर उसका लिंग है, ये आनंद को देख करके पहचान में आता है, इसे लिंग नहीं ये भी नहीं। तब बोलते हैं कि अनुमान गम्य नहीं है, अनुमान यदि हम करते हैं तो कहते हैं श्रुति अनुकूल तर्क अनुसंधान भगवान भाषुदेश पंचकों में बोलते हैं, श्रुति वाक्यों को पुष्ट करने के लिए जितना अनुमान की आवश्यकता है उतना हम मानते हैं, क्योंकि किसी भी इंद्रियों के तरह ग्रहणीय नहीं है, इसीलिए ये चिंतनीय नहीं है। चिंतन विषय मतलब बुद्धि का भी मन बुद्धि का भी विषय नहीं बनता, जब मन बुद्धि का भी विषय नहीं बनते इसलिए किसी को शब्द के तरह उपदेश भी नहीं किया जा सकता। अतएव अव्यपदेशम शब्द, यदि ऐसा वस्तु है वस्तु है ही नहीं, इसका मतलब तब क्या होता है ये वस्तु है कि यदि होता तो कुछ ना कुछ उपाय तो निकाल आता है। तब बोलते नहीं, एक आत्म प्रत्यय सारण जागृत आदि स्थानेशु एक अयम आत्मा इति अव्यभिचारी ज प्रत्यय तेन अनुसरणीय, ठीक है पेज 53 है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक आत्म प्रत्यय सार, एकमात्र आत्मा का ही दृष्टि, उसका प्रत्यय मतलब वृत्ति जो आपका निश्चय, वही जो है इसका सार है, मतलब वही आपके लिए प्रमाण है, वही आपके लिए वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता है। क्या कहना चाहता है, संसार में जो वस्तु हम देखते हैं हर वस्तु का ज्ञान हमें होता है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान, हिमालय के ज्ञान, मकान का ज्ञान, दुकान का ज्ञान, नदी का ज्ञान होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, जिस वस्तु का ज्ञान हुआ वो वस्तु क्या किया, सच्चिदानंद को दबा दिया। जिस वस्तु का ज्ञान हुआ उस वस्तु के अंदर सच्चिदानंद छुपा हो गया कि उसी से अस्तित्व, अस्तित्व से उसका स्फुरन भी हो रहा है, परंतु वो क्या करते हैं वस्तु अपने नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता से क्या करते हैं वो सच्चिदानंद को डालते हैं। अब हमको क्या बोलना है, आत्म प्रत्यय सार, ये ध्यान रखना, नाम रूप को रहने दो, नाम रूप आत्मा को नहीं दबा पाए वस्तु को, छुपा हुआ अर्थ क्या है, क्योंकि विकल्प का तौर भी बोलेंगे
दो करके सेकंड पहले इसमें आपको समझना है क्या कहना चाहते हैं श्रुति यहाँ पे। एक आत्म प्रत्यय सार भाष्यकार बोलते हैं कि आत्म संबंधी जो प्रत्यय मतलब जो कॉग्निशन फाउंडेशन ये आत्मा ही है वो कभी डेविएट नहीं करना चाहिए। वो जाता तब जाके आप अपना लक्ष्य में मतलब वस्तु का अनुभव हो ही जाएगा, वस्तु का अनुभव हो ही जाएगा। निश्चय क्यों हमारा देखो यथाकृत न्याय है, ये छंद में आया था यथाकृत न्याय। यदि आप ऐसा दृढ़ निश्चय वाले हो जाओगे ना तो आत्मा को अनुभव हो ही जाएगा। इसीलिए पहले बोला कि देखो विषय के साथ मिल करके आत्मा दिखाई पड़ते एक आत्मा जागृत आदि स्थानेशु एक मतलब विषय में आप आत्मा एक ही है मतलब सभी का नाम रूप अलग 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 है कहीं भैंस प्रज्ञान परंतु वहाँ उसके अंदर एक सच्चिदानंद विद्यमान ये दृढ़ निश्चय प्रत्यय शब्द हाँ मेरा दृढ़ प्रत्यय है कि ये वस्तु ऐसे ही है बोलते हैं प्रत्यय शब्द यहाँ पे व्याकरण का नहीं प्रतियते विधियते इतने प्रत्यय नहीं समझना यहाँ पे प्रत्यय मतलब फॉर्म डिसीजन यहाँ पे अर्थ होगा। तो यहाँ पे इसे बताया जागृत आदि स्थानेषु एको अयम आत्मा इति अव्यभिचारी आपको नाम रूप दिखाई दे रहा है व्यभिचार कर रहा है परंतु उसके अंदर अव्यभिचारी तत्व को देखने का अभ्यास करें आप बात में कह देंगे ये पहला एक आत्म प्रत्यय सार ठीक है। नहीं तो किसी यहाँ पे बोले थे आनंद गिरिजी ने कहा इसका टीका भी हम पढ़ लिए थे मनो विषयत्व अभावादेव शब्द अविषयत्व शब्द प्रवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वकता क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति मन में पहले शब्द उठते तब हम बोलते हैं तरी गत वस्तु नास्ती है वह प्रमाण अभाव तब इस प्रकार की वस्तु कोई है नहीं कोई प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण के नहीं जानता अनुमान प्रमाण के नहीं जानता तो वस्तु है नहीं जो वस्तु है प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। तब बोलते नहीं एक आत्म प्रत्यय सार पहले में हमने क्या बोला ध्यान रखना भाष्यकार अपने आप एक विकल्प कर रहे हैं अभी आत्म प्रत्यक्ष का पहले क्या बोला कि जागृत आदि स्थान में नाम रूप का व्यभिचार स्थिति का व्यभिचार हो रहा है परंतु उसके अंदर जो एक धीरो सच्चिदानंद वस्तु है वो व्यभिचार नहीं कर रहा है ये भावना को धीरो करना ही पहला। नेक्स्ट अब देखिए टीकाकार बोलते हैं भाष्यकार के लिए परोक्ष अर्थ विषयतया विशेष विशेषणम व्याख्या अब अपरोक्ष अर्थतया भी व्याकरण दी परोक्ष अर्थ मतलब ये वस्तु के माध्यम से वस्तु के माध्यम से पहले आपको एक आत्म प्रत्यक्ष को व्याख्यान कर दिया मतलब बाहरी वस्तु को देख करके नाम रूप देख करके वहाँ का मेरा सच्चिदानंद विस्फोरण होना चाहिए ऑर्नामेंट देख करके वहाँ पर सोने का बोध होना चाहिए ठीक है ना मृत्यु का कि स्टील की बर्तन को भी देख करके बर्तन को नाम रूप को छोड़कर स्टील का है पत्थर का है ये आपको बोध होना चाहिए ठीक इसी प्रकार से हर एक ये हो गया पक्ष ये हो गया परोक्ष रूप से जानना अब अपरोक्ष रूप में कहना चाहते हैं परोक्ष अर्थ विषयतया विशेषणम व्याख्याय परोक्ष अर्थ को विषय करते ही आश्चर्य तो ये विशेषण अर्थ एक आत्म प्रत्यय सारम ये जो यहाँ पे बोला हुआ है उसको एक आत्म प्रत्यय सारम उसका अर्थ पहले परोक्ष रूप में कर दिया अब अपरोक्ष अर्थ होता है अपरोक्ष अर्थ होता है मतलब अपने से अभिन्न रूप में कैसे अपने अभिन्न रूप में कि हर अवस्था में कितना भी परिवर्तन हो जाए एक अपरिवर्तनीय में बाहर जगत में नाम रूप परिवर्तन वो अपरक्ष हो गया अभी अपने में आइए शरीर मनोवृत्ति बुद्धि वृत्ति कितना भी परिवर्तन हो जाए सबका देखने वाला मैं उसका परिवर्तन नहीं वो हमेशा एक रूप ये दो प्रकार से आत्म प्रत्यय सार है। देखो भगवान ठीक समझ में आ रहा है दोनों में भिन्नता क्या होगी एक में जगत में जागृत आदि विषय में जो आपको नाम रूप दिखाई पड़ते हैं उस नाम रूप में नाम रूप के मिथ्या तो सच्चिदानंद को मतलब हाँ अभी क्या हुआ कि नाम रूप शब्द सच्चिदानंद को दबा दिया शास्त्र क्या बोलते हैं ईशा भाष्यम इदम सर्वम इसका उल्टा बोलते हैं पहली सबसे पहले यही सिखाया गया हमको सबसे पहले उपनिषद में यही सिखाया गया नाम रूप ने परमात्मा को दबा दिया परंतु विचार क्या करना है परमात्मा के द्वारा नाम रूप भेज जाए ये हो गया आत्म प्रत्याशा एक बाहर बाहरी वस्तु को लेकर के आप अंदर वस्तु अपरक्ष रूप में कह रहे हैं अपरक्ष में क्या हो जाएगा कि हमारे अंदर मनोवृत्ति बुद्धिवृत्ति चित्तवृत्ति शरीर वृत्ति में कितना भी परिवर्तन हो जाए परंतु इसको देखने वाला मैं सर्वदा परिवर्तन ये आत्म प्रत्यक्ष ये व्यभिचार करे ये घटे बढ़े परंतु मेरे अंदर बढ़ना घटना नहीं है। देखिए दो दृष्टि में दोनों प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं ये भिन्नता को श्रुति वाक्यों को पढ़ करके भाष्यकार को पढ़ करके भिन्नता को थोड़ा पकड़ने का कोशिश करना तब समझ में आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं मैंने कहाँ से पकड़ा एक बोलते हैं परोक्षतया परोक्ष अर्थ विषयता बाहरी वस्तु को अवलंबन करके पहले बोला आत्म प्रत्यक्ष अपरोक्षतया अपने अभिन्न रूप में विषय करके बोल रहे हैं अपरोक्षतया अपरोक्ष अर्थतया भी मतलब अपरोक्ष विषय रूप में भी आप उसको समझ सकते हैं। अब आ जाइए अथवा एक भाष्य में एक आत्म प्रत्यय सारम
प्रमाणम जस्य, वही उसके लिए आपका अनुभव ही इसके लिए एकमात्र प्रमाण है। जस्य तुरीयस्य अधिगमे, जिस तुरीय की बोध में, तत् तुरीयम् एक आत्म प्रत्यय सार है ना, इसमें केवल यह प्रश्न। अब देखिए दृष्टांत श्रुति बात को क्या दिया, आत्मा इत्येव उपासित, ये बृहदान्यक उपनिषद की शब्द है। बृहदान्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ भवन सप्तम खंडे का 147। तो ये आत्मा इत्येव उपासित, अब क्या बोला यहाँ पे, आत्मा के साथ इति लगा दिया बस, और कुछ नहीं, शुद्ध आत्मा की चिंता, क्योंकि इसी में सब अंतर्भुक्त हो जाता है। वहां पे ऐसा कहा तद एतत् वदनीय, इसी को अनुसरण, उपाधि का अनुसरण करके केवल अपने अंदर जाते जाओ, तब जो को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा इत्येव उपासित, वहां पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा, आत्मा इति है ना, आपने आत्मा के साथ इति लगा दिया, इति मतलब बस इतना ही, इसलिए बोलते आत्मा इति इति आदिना अत्र इति शब्द शब्द तत्प्रत्यय अविषयत्वम आत्मन बोधयति, वो शब्द अथवा उसकी सत्ता संबंधित जो बोध उसका बाहर है आत्मा, इसलिए इति बस हूँ मात्र रूप में, सभी नाम रूप में, तो इसमें भी शरीर इंद्र मन बुद्धि का निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है, परंतु शुद्ध अस्तित्व में कोई परिवर्तन व्यापकता में कोई खुन्नता नहीं है कभी। इस प्रकार से दोनों में से किसी एक भाव को पकड़ के रखते तो आपको एक आत्म प्रत्याशा, कोई इतम ये हो गया आत्म प्रत्याशा, मतलब आत्म संबंधित निश्चय को दृढ़ रखो, आत्म संबंधित निश्चय को दृढ़ रखो, वही सार मतलब जिस क्रीम ऑफ द शास्त्र। तो इसीलिए बोलते हैं बस आपको धीरे धीरे वही समझ में आ जाएगा वस्तु क्या है। इसीलिए हम पे बोलते हैं देखिए कि अपरोक्ष आत्म प्रत्ययस्य आत्मनि प्रमाणत्वे, अपरोक्ष आत्मसंबंधित जो अपरोक्ष अनुभूति अथवा निश्चय, आत्मसंबंध जो अपरोक्ष मतलब आप ये किसी को बोलने का नहीं है, अपने आप समझते हैं आप इसको है ना। इसीलिए बोलते हैं अपरोक्ष प्रत्ययस्य आत्मनि, यही आत्म विषय में प्रमाण है। इस विषय में बृहदारण्यक श्रुति उदाहरति, बृहदारण्यक श्रुति को दिया आत्मा इत्येव उपासित, ये कहीं नहीं आया, हर जगह में मनो ब्रह्म आदित्य ब्रह्म इस प्रकार का उपासना बोला। बृहदारण्यक श्रुति बोलते आत्मा इत्येव उपासित, बस शुद्ध आत्मा को पकड़ने का आवश्यकता। अपरोक्षता पहले बाहरी वस्तु में देखो सब परिवर्तन हो रहा है, उसमें अपरिवर्तन में क्या है, मतलब जो नाम रूप सच्चिदानंद को दबा दे वो सच्चिदानंद अपरिवर्तनीय है, घट है, पट है, मठ है, उसका स्फुरन हो रहा है, वो है कि अपरिवर्तनीय होता और नाम रूप की परिवर्तनीय होता। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आ जाइए आप इसका अनुभव करने के लिए, हमारे अंदर कितना बचपन से लेकर मतलब बुढ़ापा तक कितना शरीर की अवस्था, बुद्धिवृत्ति की अवस्था, मनोवृत्ति की अवस्था, कितना अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तन, सब परिवर्तन को देखने वाला है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये आत्म परिवर्तन। इसलिए आप बोलते हैं आत्मा इत्येव उपासित। यहाँ पे आनंद गिरि जी बोल रहे हैं कि यच्च आपनोति इत्यादिना परिपूर्णत्वादि लक्षण तावत् आत्मा उक्त। एक भाष्यकार इस श्लोक को कठोपनिषद में उद्धृत किए थे, यच्च आपनोति यदा दत्ते यच्च अति विषयानिह यच्च संततेर भाव तस्माद् आत्मा इति कीर्तते। ये एक लिंगोपवाद की एक श्लोक है, ये श्लोक भगवान भाष्यकार भाष्यकार उद्धृत किया कठोपनिषद की भाष्य में, पुराण का ये श्लोक को आत्मा के परिभाषा, आत्मा क्या वस्तु है, यच्च आपनोति, देखो यहाँ पे क्या बोला यच्च आपनोति, आप लृ धातु है, आप लृ धातु फिफ्थ कंजुगेशन मतलब तो अपने अर्थ में आते हैं, तो क्या हो गया जो सब को प्राप्त कर लिया, यच्च आपनोति यत् सर्वम आपनोति, जो सबको प्राप्त कर लिया भेद लिया, यच्च आपनोति यत् आदत्त, केवल अपना ही नहीं प्राप्त नहीं किया सबको अपना भी बना लिया, अपने में आदत्त ग्रहण कर लिया, आपने आया हाँ हाँ आइए आइए, परंतु मन से ग्रहण नहीं हुआ, ठीक आया कोई दिन रह पर चला जाएगा आश्रम में जैसे हो गया एक रात दो रात रहो चले जाए, परंतु आपने ऐसा नहीं किया आदत्त उसको ग्रहण भी किया, परंतु सारा चीज किसी को होता है कोई अदृष्ट नहीं। यच्च आपनोति यत् आदत्त यच्च अति विषयानि, तो समस्त विषय को अपने में समेट रहा, जितना भी विषय देख रहा है दिखाई दे रहा है उसका अंदर बाहर एक आत्म तत्व तो है, एक सच्चिदानंद भी यच्च अलग अलग धातु से बना हुआ है, लाल धातु से भी बनता है, एक आपनी धातु से, और यहाँ पे बोलते हैं अधातु, अधातु में अगादि नाम के अति है ना जो खाता है वो सब को अपने में खा रहे हैं, मतलब अंदर बाहर सब वही है, अंदर बाहर सब वही है। यच्च आपनोति यदादत्त यच्च अति विषयानि, यहाँ पे सारा विषय को अपने में खा लेते हैं,
तो वहाँ पे जो है वो उसके तरह करते हैं, इसका मन इनप्रत्यय होता है यहाँ पे, तब आत्मन बन जाता है। तो क्या होता है कि जो चारों तरफ समान रूप से फैला हुआ है, कहें कि उसका डेंसिटी में कोई कमी या तो वैसी नहीं है, एक होमोजीनियस प्रज्ञान घन है वो। ये इतना भाष्यकार श्लोक लिंग पुराण के, पुराण के श्लोक है, भाष्यकार के नहीं है, पुराण में आत्मा को ऐसा वर्णन किया ये भाष्यकार जो है, उस आत्मा कठोर परिषद के भाष्य में उद्धृत किया, उसका अनुग्रह यहाँ पे टीका में एक लाइन दे दिया केवल, जच्च आपनोति इत्यादि ना, ठीक है ना। तो पूरा श्लोक ऐसा है, जच्च आप जच्च आपनोति यदा दत्ते जच्च अति विषयानि हो जस्य च जच्च अस्य सत्यते भवि, जो आत्मा की एक होमोजीनियस कंटिन्यू हर जगह पे सर्वगत हर जगह में फैला हुआ, इसी को आत्मा बोलते हैं, जो आत्मा बोलते हैं। तस्मात आत्मा इति कीर्यत कीर्त्यते यहां तो गीयते, ऐसा श्लोक में बोलते हैं। तो यहाँ पे आनंद गिरी जी बोल रहे हैं, जच्च आपनोति इत्यादि ना परिपूर्णतादि लक्षण तावत आत्मा उक्त। इससे क्या कहना चाहते हैं, चाहे आप आत्म प्रत्यय सार उसके साथ में समझा रहे हैं, यहाँ पे तो ठीक है, अपना हर परिवर्तन को देखने वाला एक अपरिवर्तित तत्व मैं हूँ, बाहर जगत को भी आप देख रहे हैं, बाहर नाम रूप के अंदर सच्चिदानंद विद्यमान है, परंतु ये तो एक पाद है, तीन पाद आदवास्य विश्वभूतल त्रिपाद, तो ये पूर्ण व्यापक है। इसके साथ ये भी चलती आत्म प्रत्याशार में, कहाँ बोला आत्म प्रत्याशार, तो मतलब आपका चिंतन में अव्यभिचारित्व के साथ आपकी व्यापकता भी चाहिए, असंग व्यापक पूर्ण होना, असंग व्यापक मतलब पूर्ण, मतलब हर कोई कहीं जगह पे कोई खाली नहीं है, इस प्रकार से चिंतन करने से होते हैं जच्च आपनोति इत्यादि। इसीलिए तो मैं बोला कि जागृत को बैठ बैठ के सुषुप्ति बनाना है, भगवान भाष्यकार पहली प्रतिज्ञा किया इस चीज, जागृत में बैठ करके शरीर भाव से ऊपर उठ करके आत्मभाव दिया, रही आत्म प्रत्याशा, ये आत्म प्रत्याशा यच्च आपनोति इत्यादि ना परिपूर्णत्वादि लक्षण तावत, आत्मा में किसमें लक्षण है, पूर्णत्व भी लक्षण, परिपूर्णत्व लक्षण तावत आत्मा उक्त, आत्मा में ये लक्षण ऐसा कहा गया। अब क्या बोला, सच वांग मनसा तीत श्रुतिभ्य अवगत, श्रुति वाक्य से हमें ये पता लगा आत्मा जो है इंद्रिय और मन के विषय नहीं है, मांग मन साथी तो मांग के समस्त इंद्रियों का ग्रहण हो जाएगा, वही इंद्रिय अंतर इंद्रिय का ग्रहण नहीं है, वह ग्रहण जो अवगत हो ये श्रुति से हमको पता लगा। तम एव एक रसम परमात्मा न, एक रस परमात्मा उसी जो श्रुति, जिसको श्रुति से पता लगा कि ये मांग मन साथी है, तब ये कभी समझ में भी नहीं आएगा, उपदेश भी नहीं है, श्रुति करती है, यानी कि ये ऐसा होते हुए भी ये समझ में आता है, ये तो संपूर्ण शास्त्र अनर्थ बेकार हो जाएगा, संपूर्ण शास्त्र बेकार हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं तम एव एक रसम परम, उस एक रस परमात्मा को प्रत्येन भिन्न अपने स्वरूप रूप में ग्रहण करके तम निष्ठा तिष्ठति, उसमें निष्ठा रख के बैठ जाओ, देखो कितना सुंदर स्पष्ट लिखा, उसमें निष्ठा रख के बैठ जाओ। शब्द कहता है तम एक रसम परमात्मा, उस एक रस पूर्ण व्यापक तत्व को प्रत्येन गृहित, वो मेरा स्वरूप भूत है, ऐसा करके ग्रहण करके तन निष्ठतया तिष्ठा तिष्ठा, उसमें निष्ठा निश्चय न स्थिता निष्ठा स्था था तू, और उसमें निपुसर्ग लगा निश्चित के निश्चय करके, निष्ठा मतलब निश्चित निश्चय न स्थिता निश्चय करके बैठ गया तिष्ठती, देखिए निष्ठा बोल करके फिर तिष्ठति बोल गए, वो भी स्था था तू का रूप है, निष्ठा भी स्था था तू का रूप है, निष्ठा करके बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ, बस ये आत्मन हे इति आत्मन अवस्थात्रयतेतस्य तुरीयस्य परक्ष नित्य दृष्टित्वं श्रुतित दृष्टम इति अर्थ। इससे क्या होगा, इस प्रकार से इति आत्मन आत्मा का अवस्थात्रयतेतस्य, जो आत्मा अवस्थात्रस्य अतीत है, इसका आगे बोलेंगे, ये इसका अंदर स्थानीय धर्म और स्थान धर्म दोनों ही नहीं आते, आएंगे उसको मैं आऊँगा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं कि आत्मन अवस्था त्रयातीतस्य, जो तीनों अवस्था से ऊपर है, तो इसीलिए उसको तुरीय कहा गया है, तुरीय मतलब इन अवस्था से विलक्षण अवस्था है, तुरीयस्य अपरक्ष नित्य दृष्टित्वम, ये जो है ये अपने से अपरक्ष नित्य दृष्टि, अपरक्ष मतलब इसको जानने के लिए कोई इंद्रिय मन वृत्ति कुछ काम नहीं करेगा, परंतु नित्य हमेशा उसका स्मरण हो रहा है,
इस प्रकार से अब दृष्टितम स्तुति दृष्टम ये श्रुति वाक्य से हमको पता लगा इस भाव को लेकर के जो निश्चय होगा कि श्रुति से जो पता लगा अथवा गुरुमुख से जो बार बार सुनते हैं इस भाव को निश्चय करके स्थिर होकर के बैठो यही हो गया आत्म प्रत्यय सार। अब देखो आगे के मंत्र में क्या है एक आत्म प्रत्यय सार उसके बाद प्रपंच उपशमं शांतं शिवमद्धिप्रियं चतुर्थं मन्यते सात्मा सविज्ञेयं। अब प्रश्न होता है कि आपने जब बोल दिया न अंत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा उभयतः प्रज्ञा इसी से जो बहिष्प्रज्ञा नहीं है मतलब प्रपंच नहीं है तो फिर प्रपंच को हम क्यों बोलते हैं। श्रुति को एक शब्द भी अधिक मानना पुनरुक्ति दोष होते हैं आप क्यों बोल रहे हैं। जब आपने न बहिष्प्रज्ञा बोल दिया न अंत प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा बोल दिया मतलब बाहरी वस्तु संबंध ज्ञान नहीं है तो आप फिर दोबारा क्यों बोल रहे हैं। क्या श्रुति का अभिप्राय है कि विशेषण अंतरस्य पुनरुक्ति परिहरण अर्थ भेद पूरा जिसके बाद जो आ रहा है विशेषण अंतर मतलब क्या हो जाएगा कि प्रपंच उपशमम ये विशेषण अंतर है ठीक है ना इतना मतलब लेंगे प्रपंच उपशमम बोलते विशेषण अंतरस्य पुनरुक्ति पुनरुक्ति कैसे हुआ आपने पहले बोलता ना बहिष्प्रज्ञ जब हमारी वस्तु का क्या निष्का नहीं होता तो फिर आपने फिर प्रपंच उपशम क्यों बोल रहे हैं श्रुति की पुनरुक्ति नहीं है श्रुति की कुछ अलग अभिप्राय है अलग अलग अभिप्राय है। देखिए अर्थ अर्थभेद परिहरण अर्थभेद भाव इसको परिशंका को निराकरण करते हुए अर्थ में क्या विशेषता है न बहिष्प्रज्ञ न अंतप्रज्ञ और प्रपंच के समय में क्या विशेषता है इसके यहाँ पे अभी स्पष्ट करते भगवान दास का ठीक है जगह को समझना है कि एक शब्द के पीछे क्या अभिप्राय है विशेषण अंतर कौन सा विशेषण अंतर प्रपंच उपशम इसको पुनरुक्ति इससे पुनरुक्ति न बहिष्प्रज्ञ उसके साथ पुनरुक्ति को परिहरण उसका निराकरण करते अर्थ भेद उसमें क्या विशेष अर्थ है उसको कहते हैं भगवान भाष्य। देखिए अंत प्रज्ञत्वादि स्थानी धर्म प्रतिषेध कृत ठीक है ना एक है स्थान और एक है स्थानी मतलब क्या हो गया स्थानी है मतलब जिसके स्थान पर कुछ करना है ना हो गया स्थान स्थान जहाँ पे कुछ कर रहे हो के स्थान कैलाश आश्रमों के स्थान और हम लोगों के स्थान ही हम लोग रहने वाले इसका स्थान ही ठीक है। अब मैं सामान्य रूप से बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे आने से कैलाश आश्रम में कुछ विशेषता नहीं होता ना मुझ में कुछ विशेषता होता स्थान हो गया कैलाश आश्रम आत्मा उपाधि के साथ आत्मा मूल स्थूल दृष्टांत समझ लो आत्मा शरीर को मान लो ये शरीर कैलाश आश्रम आके पाठ चलाता है इससे इस शरीर में अथवा कैलाश आश्रम में ना कैलाश आश्रम में ना इस शरीर में कुछ विशेषता नहीं है ना कैलाश आश्रम का कुछ फर्क पड़ा इस शरीर मर जाए व्यवहारिक जगत में भी है यदि ये शरीर आज चलते चलते मर जाए कैलाश आश्रम में क्या फर्क पड़ने वाला कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा चलते चलते यदि हम मर जाते हैं तो अब इस शरीर को क्या फर्क पड़ने वाला है क्यों आत्मा में तो जन्म मृत्यु है नहीं तो ना स्थान में कोई फर्क पड़ता है ना स्थानी में कोई फर्क पड़ता है उस स्थान में रहने वाला स्थान स्थान में रहने वाले को बोलते हैं स्थानी फर्क नहीं पड़ता क्या फर्क पड़ता सूक्ष्म एक व्यक्ति मर जाने से आश्रम कोई फर्क नहीं पड़ता ना कुछ संसार को फर्क पड़ता है स्थूल दृष्टि समझ लेना अब आत्मा में घटाना है मतलब क्या हो गया आत्मा स्थान त्रय स्थान वो स्थान त्रय में आत्मा को देखने से आत्मा में कोई विशेषता नहीं आता और ना उस स्थान त्रय के तरह आत्मा में कोई विशेषता आता आत्मा और ये स्थान आत्मा स्थान में बैठने से स्थान में कोई विशेषता नहीं आया और ना स्थान में आत्मा में बैठने से आत्मा में कोई विशेषता आता योग स्थानी में स्थानीय धर्म निषेध करके स्थान धर्म निषेध करके अब उसको समझाएंगे। देखिए ये तो समझ में आता है ना बाहर से कि इस देश से ये व्यक्ति यहाँ पे आके बैठने से आश्रम को कुछ नहीं बिगड़ता आश्रम को कुछ नहीं बिगड़ता तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये आप यहाँ पे बोला अंत प्रज्ञत्वादि स्थानीय धर्म प्रतिषेधक के तो अंत प्रज्ञादि का क्या किया स्थान में रहने वाला स्थानीय धर्म निषेध करते मतलब उस स्थान में रह करके भी उस स्थान के धर्म से ये व्यक्ति कुछ मतलब परिवर्तन नहीं होता
किसी स्थान में आकर के जो बैठा हो गया स्थानी, उस स्थान में आकर के बैठने से इस व्यक्ति में कोई विशेषता नहीं जाना। प्रपंच से आत्मा में फर्क नहीं पड़ता, रहे चाहे ना रहे। हाँ, क्योंकि मिथ्या वस्तु है। अभी देखो, दोनों एक स्थान और स्थानी दोनों रूप में बोलेंगे। क्या बोला? अंत प्रज्ञत्वादि स्थानी धर्म प्रतिषेधक। अंत प्रज्ञादि से क्या क्या स्थानी धर्म, मतलब उस स्थान में बैठने से आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रपंच को समेत जागृत आदि स्थान धर्म अभाव उच्चते। आत्मा में जागृत आदि का जो स्थान धर्म है, उस स्थान धर्म भी आत्मा में नहीं। मतलब क्या हुआ? ये व्यक्ति यहाँ पे आने पर ना इस, मतलब जो व्यक्ति आत्मा को जो यहाँ पे बैठा, तो आत्मा में स्थान के साथ मिलकर आत्मा के बीच ज्यादा नहीं आया। ठीक इसी प्रकार जो स्थान था वो यदि आत्मा में आके बैठता है, फिर भी आत्मा में कोई विषय नहीं आता। आत्मा सर्वथा स्थान रूप में भी स्थानीय रूप में भी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हम बोलते हैं अंत प्रज्ञत्वादी स्थानीय धर्म। ये जो एक चीज अच्छी समझना इस चीज को, कई व्यक्ति ऐसा लगता है कि मैं नहीं रहूँगा तो संसार कैसे चलेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। एक महात्मा में एक कथा है, क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति का मन में दिल था, अच्छे गुरु का शिष्य था। वो उनको बोलता था कि भाई तू थोड़ा धर्म में मान ले। वो मन में ये कहता था कि मैं नहीं रहूँगा तो संसार कैसे चलेगा। तो गुरु जी ने एक दिन बोला, एक काम करो, तुम थोड़ा तीर्थ करके आओ, हरिद्वार चार धाम यात्रा कर दो, पैदल यात्रा कर। गया घर में भी ऐसे बोल करके गया। तो लगभग जब एक साल समाप्त होने में, उस समय तो इतना मोबाइल आदि कुछ नहीं था, संपर्क कुछ नहीं था। जब एक साल समय समाप्त होने जा रहा है, एक दिन गुरु जी उस घर में जा करके बोलते हैं, देखो ये जो व्यक्ति जो है ना तीर्थ यात्रा में गया था, मेरे पास समाचार आया कि वो मर गया, बुझा गया। ये तो नहीं मना कि यात्रा में गया, बुझा गया। वो तो चिंता नहीं करना, उसका जो भी काम की व्यवस्था है वहाँ कर लेंगे, व्यवस्था करते हैं। तो उनका जितना भी कर्म था वो भी कर दिया, छोटा छोटा कोई बच्चा था उसको देखकर। फिर अपने भक्तों से कह दिया कि इसका घर में तो ये नहीं है, तुम लोग जिसका जितना जितना मदद है करते हैं। और किसी को कुछ नहीं बोला, अब उसको भी पता नहीं है कुछ। जब उसका आने का समय हो गया, समय तब एक दिन घर में जाकर तो बोलता है कि देखो वो तो मर गया, परंतु वो तुम लोगों के प्रति उनका आसक्ति बहुत था। तो फर्क क्या हो गया? हो सकता है सूक्ष्म शरीर में कभी आ जाए, तो बाहर नहीं आना, घबराना भी नहीं, बाहर नहीं आना, अपने अच्छे से उठ जाते घर में। फिर समय से वापस आया, आपके गुरु जब मतलब दिन के समय आया वापस, तो बुलाओ विश्राम क्लास में बैठो, अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, रात में इस समय में मुहूर्त तो अच्छा, तुम घर चले जाना। बोला अब जब रात में घर गया, घर में तो बोल करके आता है कि बोल गया, जैसे ही बाहर से ठक ठक है पत्नी अंदर, ए भूत, ए नहीं 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 आप कहाँ से आ गए, आप तो मर गए, आप कहाँ से आ गए, भूत। बच्चे लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप नहीं, आप जाओ यहाँ से, हम लोग को छोड़ दो, जाओ यहाँ से। क्या बात है? तो बोलता देखो मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं इस वजह से। बोलता फिर भी तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। जब तुम यहाँ पे थे तब नून लाते रहते, चावल समाप्त हो जाता था, चावल लाते रहते, सब्जी समाप्त, अब तो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम रह करके क्या करोगे, तुम जाओ यहाँ से। अब उनके मन में ये चला गया ना गुरु जी के भक्ति बारे में, वो सोचता था मैं नहीं रहा हूँ तो संसार कैसे चलेगा। वो नहीं रहने से भी जिसको चलाना होता है वो चलाते चलाना होता है संसार। स्थान धर्म स्थानीय धर्म को हम चिपक जाते हैं, हम चिपक जाते हैं कि मैं नहीं रहूँगा तो कैसे चलेगा, स्थान के धर्म का अपना करके स्थानीय बना करके। तो ये जो है यहाँ पे समझना है, हम किस हमें भी व्यवहारिक जगत में यही रखना है। ठीक है किसी कर्म का मौका भगवान ने दिया करने का, अच्छा कर्म इस और रहे, किंतु मैं नहीं रहूँगा तो भी इस कर्म में कोई कमी होने वाली नहीं। ये आश्रम में आकर के मैं आश्रम को रक्षा करो ये बात नहीं है, तब विपरीत आश्रम में आने से कर हमारा जीवन सुरक्षित है। थोड़ा थोड़ा व्यवहारिक जीवन में इतना भिन्नता को अपने मन में धीरे करके बैठा है, मतलब मैं आने से आश्रम का सारा काम करते उसे आश्रम रक्षा हो रहा है, ये भावना कभी मन में आने वाली नहीं। तद विपरीत आश्रम में आने के कारण हमारा जीवन सुरक्षित है, क्योंकि हम फोर्ट में हैं, हम सुरक्षित हैं। तो ये जो स्थान धर्म स्थानीय धर्म को लेकर के बोलते हैं कि स्थान धर्म से भी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्थानीय धर्म रूप में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ बैठा भी है और स्थानीय हो गया, फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसलिए बोलते हैं प्रपंच उपशमन इति जागृत आदि स्थान धर्म अभाव, पहले स्थानीय धर्म अभाव और प्रपंच में होता है स्थान धर्म भी उसमें नहीं है। तो इसे आप देखिए टीकाकार लिखते हैं स्थानीय धर्म से स्थान धर्म से च, स्थानीय मतलब स्थान में रहने वाला व्यक्ति और स्थान, स्थान मतलब उस स्थान का धर्म, स्थान में रहने वाला धर्म उससे भी आत्मा में नहीं है और स्थानीय के कारण क्या हो गया, स्थानीय के कारण आपका जिसमें आप बैठा हुआ है मैं चेतन हूँ, ये जड़ है, ये जड़ जड़ ही रहेगा चेतन जैसा व्यवहार करने पर भी इसमें दोनों नहीं है आत्मा में, ठीक है ना। जगत दिखाई दे रहा है आपका तो उसमें सत्य तो नहीं है, सत्य तो आत्मा ही है। कई चीज यहाँ पे से आपको दृढ़ बोला ना एक आत्म प्रत्यय साथ आपको आत्म संबंधी दृढ़ निश्चय चाहिए, ये इसलिए आप बोलते हैं स्थानीय धर्म से स्थान धर्म से च प्रतिषेध अत शब्द न परामिश्यते वहां पर आता मतलब अत एव शांत अत कहाँ पे आया भाष्य में देखिए सेकंड लाइन पे ना अत अत वहां पे स्थान धर्म भी नहीं है स्थानीय धर्म भी नहीं है कि मतलब जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ उस जगह के धर्मों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। इस शरीर जैसे इस स्थान ये कुर्सी इसी प्रकार ये कुर्सी नहीं, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से इस कुर्सी में बैठने के कारण इस कुर्सी में भी कोई विशेषता नहीं आएगा, जड़ तो जड़ ही है, मैं रह करके इसको कुछ विशेषता प्रदान किया वो भी नहीं है। ये भाव यदि रह सकते हैं तो हमेशा अपनी असंगता बनाए, अपना असंगता बना के रख लेते भाव को दृढ़ रखना। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि छोटा छोटा शब्द दिखते हैं भाषा करके मन फिर दिखे बड़ा मतलब अपीलिंग है, माइंड को अपील करते हैं कि हम हमको जिन थॉट्स किस फ्लो किस दिशा में ले जाना चाहिए थॉट फ्लो को, वेदांत में विचार ही सार है हमारे पास, कुछ नहीं है साधन है ना, ये बात करना ही हमारा साधन है, बात करना ही साधन है। स्थानीय धर्म से स्थान धर्म शब्द शांत शिवम है ना, इसलिए शांत है मतलब शांत राग दे सारे से क्या हो जाएगा, एक मैं हूँ एक स्थान धर्म से भी कोई स्थान धर्म में कुछ विशेषता आता तो उसके प्रति प्रीति होती नहीं है, वहाँ पे कोई विशेषता तो आया नहीं, इसीलिए किसी भी प्रति प्रीति किसी के प्रति देश दोनों रहित हो जाना यही होगा शांत क्या। आत्मा के स्वभाव आत्मा के किसी के प्रति कोई राग भी नहीं है, किसी के प्रति देश भी नहीं है। आत्मा जैसा एक टट्टी बंदर की टट्टी रास्ते में दिखाई दे रहा उसको भी सत्ता स्फूर्ति प्रदान किया, उसी के बगल में गुलाब के फूल उसको भी सत्ता स्फूर्ति प्रदान किया, गंगा जी के पानी उसमें सत्ता स्फूर्ति प्रदान किया, आत्मा में क्या फर्क है, अथवा सूर्य किरण को समझ लीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, सर्वथा संतुष्टि है। इसीलिए हमें बोलते हैं उसको किसी के प्रति राग नहीं है, सूर्य किरण ये नहीं बोलते हैं गंगा जी है इसलिए मैं इसको प्रकाश करूंगा, ये टट्टी है मैं प्रकाश नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलते है ना। इसी प्रकार से आपको बोलते हैं शांतम राग देशादि रहितम अविक्रियम कूटस्थम इति अर्थ, यहाँ पे क्या है शांत शब्द क्या कर दिया राग देशादि से रहित है, मतलब क्या है विकार नहीं है, कूटस्थ नित्य वस्तु है, एक है परिणामी नित्य और एक है कूटस्थ नित्य। एक तो ये जो है कि कूटस्थ नित्य होने के कारण यहाँ पे बोल रहे हैं कि शांत राग देशादि रहितम अविक्रियम कूटस्थम इति अर्थ, ये हो गया आपका शांतम। उसके बाद क्या है शिवम, ठीक है मूल में शिवम शब्द का अर्थ क्या, जत शिवम जत अद्वैतम मतलब क्या है भेद विकल्प रहितम, शिव कल्याणकारी सबसे कल्याणकारी तत्व क्या है कि अभिन्नता ही कल्याणकारी है, भिन्नता ही जो है आपके लिए मतलब अनर्थ के मूल है, भिन्नता ही भेद दृष्टि अनर्थ के मूल है और अभिन्नता की दृष्टि एकत्व को एकत्व दृष्टि है आपको शांति के रास्ता। भेद देखने से वहाँ पे अच्छा बुरा विचार करने लग जाएंगे, भेद देखने से वहाँ पे अच्छा बुरा विचार करने लग जाएंगे, आत्म रूप में देखते तो अच्छा बुरा कुछ नहीं, इसलिए राग देश नहीं है। बोलते हैं शिवम है ना मतलब जिसमें कोई भेद रहित नहीं है, भेद नहीं है इसलिए बोलते हैं कि शिवम जतो क्योंकि अद्वैत अद्वैत मतलब ये द्वैत से रहित है। ये देखिए एजकाल मैं बोला था ना नौ यहाँ की क्षय अर्थ होता है, तद सादृश्यम तद अभावश्च तद अघनत्वम तद अल्पता ये अप्राशस्तम विरोधश्च नौ षट प्रति, ठीक है ना। ये अद्वैत मतलब क्या है द्वैत का अभाव है, और अविद्या मतलब क्या है विद्या का अभाव,
ना 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 विद्या विरोधी एक भाव बस यही इसलिए ये सब आपको यदि नौया तक पूर्व समझ पाएगा तब आएगा नौया शब्द का लाया था ना अब्राह्मणम आनय मतलब क्या हो गया कि पत्थर को लाओ उसी वर्ण का तत्सादृश्य की वस्तु को लाओ सादृश्य ठीक है ना ये जो अविद्या शब्द का क्या अर्थ होता है अद्वैत शब्द का क्या अर्थ होता है इस चीज को नौया का अर्थ के साथ लगाना द्वैत का अभाव परंतु अविद्या मतलब विद्या के अभाव नहीं है अविद्या मतलब विद्या विरोधी ये मानना पड़ेगा आपको क्योंकि अतएव शांतम शिवम जत अद्वैतम भेद विकल्प रहितम क्योंकि वहाँ पे समस्त प्रकार के भेद विशेषता निश्चित कारण जो विकल्प होता है उससे रहित है ना अब फिर आगे उसके बाद क्या भेद शांतम शिवम अद्वैतम ठीक है ना फिर क्या बोलते हैं चतुर्थम है ना उसी को वो चौथा है चतुर्थम तुरीयम मन्नते चतुर्थम क्या बोल रहे यहाँ पे आज इस कनेक्शन बंद हो गया तो नहीं कोई जाता अतएव शांतम शिवम जत अद्वैतम भेद विकल्प रहितम चतुर्थम तुरीयम मन्यते मन्यन्ते तो इस चतुर्थ है मन्यन्ते इस चतुर्थ को तुरीय रूप में माना जाता है ना तुरीय से लोगों द्वारा माना जाता है तो यहाँ पे बोलते हैं देखिए शिवम शिवम शब्द का स्थान दीजिए करते परिशुद्धम है ना मतलब जहाँ पे कोई अशुद्धि नहीं है अशुद्धि कहाँ से आता है दूसरा एक घी है घी में दूसरा वस्तु मिलाएंगे तब अशुद्धि होगा घी शुद्ध घी विशुद्ध घी ये सब का आवश्यकता नहीं है घी घी इसे शिव मतलब यही कल्याणकारी है जहाँ पे कोई विजातीय वस्तु कुछ भी वस्तु नहीं सजातीय विजातीय शब्द भेद से रही तो यहाँ पे शिव शब्द होगा अथवा एक बड़ा दशी कांतो धातु से वर्ण विपर्य करते शिव बनता है दशी कांतो धातु मतलब वन विच इज वेरी ब्यूटिफुल यू कैन नॉट टर्न योर फ्रेश फेस फ्रॉम दैट जो अत्यंत सुंदर है क्योंकि शिव शब्द कल्याण करिए मतलब कार्य आत्मा इतना सुंदर है कि कोई विकार नहीं है कुछ नहीं है इससे कि आप एक बार वहाँ झलक लग गया तो वहाँ से दृष्टि घुमा नहीं सकते इसे मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे शिवम परिशुद्धम परमानंद बोध रूपम परम आनंद रूप है और बोध स्वरूप है मतलब चेतन स्वरूप है बोध रूपम इति जावते शिव शब्द का अर्थ हो गया जस्मात् द्वैत अभाव उपलक्षितम तस्मात् चतुर्थम इति आह इसलिए क्योंकि ये सारा द्वैत प्रपंच एक दो तीन करके कहा गया है और द्वैत प्रपंच से भिन्न है इसलिए उसको चतुर्थी वो चतुर्थ नहीं है इट इज नॉट फोर्थ वो द्वैत में ही अनुसूत है परंतु उससे विलक्षण है इसलिए चतुर्थ कहा गया है जस्मा द्वैत अभाव उपलक्षित द्वैत अभाव के द्वारा उपलक्षित होता है पास से समझाया जाता है तस्मात चतुर्थ इसलिए उसको चतुर्थ कहा जाता है इसलिए अर्थ होता है जत अद्वैतम तत्त भेद विकल्प रहितम अद्वैतम इति एतद् व्याचिष्य अद्वैत शब्द का अर्थ कर रहा है क्या बोलता है भेद विकल्प से रहित है मतलब सजातीय विजातीय सगत भेद से रहित है सजातीय विजातीय सगत भेद से रहित है अच्छा तो जब वहाँ पे आपका शंखा नाम क्योंकि निर्गुण है आत्मनिर्गुण है शंखा को न्याय दर्शन में गुण माना गया है शंखा परिणाम के गुण माना गया है तो जब वहाँ पे शंखा नहीं है तो चतुर्थ क्यों बोल दिया आपने जहाँ भी बोलते हैं संख्या विशेष विषयत्व अभावे कथम चतुर्थम ठीक है ना संख्या के द्वारा जो विशेषता आता है उस प्रकार विशेषता के विषय तो ये नहीं है ये एक दो तीन चार ये जो चौथा बोला जाता है इसके द्वारा जिसको कहना चाहता है उसे भिन्न कहना चाहते हैं तो भिन्नता मतलब कुछ विशेषता इसमें कोई विषय तो है नहीं तो चतुर्थ कैसे बोल दिया इसलिए बोलते हैं संख्या विशेष विषयत्व अभाव संख्या विशेष से जो विषयत्व आता है उसके अभाव होने के कारण कथम चतुर्थत्व उसमें चतुर्थत्व धर्म कैसे आए पहला तीन अलग करके देखना चाहिए तो अब हम बोलते हैं कि चतुर्थ है ये चतुर्थ है जब पहला तीन आदेश प्रकार एक दो तीन ईचा अथवा एक दो तीन ईचा ये चीज फोर्थ ये तीन देखना चाहता था फोर्थ तो संख्या विशेष विशेष होता ही नहीं है वो तो अकेला है तो चतुर्थ कैसे बोल दिया गया इसको इसके लिए बोलते हैं अब देखिए चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते इसको तुरीय शब्द होता है वो कहा जाता है पुस्तक का तीन नंबर टिप्पणी है
अननुमेयम तो ऊपर आया था, अननुमेयम तो आ गया था। तीन नंबर संख्या दिया हुआ है मेरे पुस्तक में, तीन नंबर दिया है तो शायद ये सेकंड पैराग्राफ में होगा ठीक है। दिखाई दे रहा है और कहीं तो नहीं दिखाई दे रहा परोक्ष इत्यादि ठीक है। वहाँ पे एक तीन नंबर संख्या लगा के रखते हैं फिर इसको पढ़ते हैं उसके संबंध मिलते हैं कि प्रमाण अविषयता इति अर्थ है ना, परक्त अर्थ विषयतया अच्छा प्रमाण अविषयतया इति अर्थ नहीं साक्षी ज्ञानम प्रमाण परिगणितम। साक्षी से जो बोध होता है वो प्रमाण के द्वारा अनुभव बोध है उसका। वस्तुतस्तु व्याख्यान द्वये वैलक्षण्य भानम आशंक वैलक्षण्यम व्यवस्थापयन अवतारयति परक्ष अर्थ विषयतया। हाँ ठीक वही पे होगा, वही पे होगा परक वहीं पर लगेगा ठीक है वही तीन नंबर होगा। प्रमाण अविषयतया प्रमाण की विषय नहीं है अपने अनुभव में आता है वो प्रमाण के द्वारा अनुभव ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान नहीं है। वस्तु तस्तु से व्याख्यान द्वय मतलब जो आत्म प्रत्यय सार दो व्याख्यान किया आत्म प्रत्यय सार में आत्म प्रत्यय सार में दो व्याख्यान व्याख्यान द्वय वैलक्षण भानम आशंक विलक्षणता की भान होता है इस शंका करके वैलक्षण व्यवस्थापन दोनों विलक्षणता क्या उसको व्यवस्थित करते अवतार यदि उसका अवतरण करते हैं कि एक में क्या बोला था कि नाम रूप के द्वारा सच्चिदानंद ढका हुआ है तो आप नाम रूप के द्वारा उसको दबाने नहीं दे रहे और यहाँ पे क्या है कि अहंकार के द्वारा व्यापकता ढका हुआ है तो आप उस परिच्छिन्नता से बाहर आ जाओ। इस प्रकार यहाँ पे बोला था कि जो वस्तु तस्तु व्याख्यान द्वय वैलक्षण भान आशंकम वैलक्षण व्यवस्थापन विलक्षणता को व्यवस्थित करते अवतार यदि उसको जो विलक्षणता क्या विलक्षणता है एक बाहरी जगत को आश्रय लेकर के बोला था है ना एक नाम और एक है मैं असंग आत्मा इतव शुद्ध असंग व्यापक मैं अव्यभिचारी नित्य हूँ अपने लिए अपरक्षक ये दोनों की विलक्षणता को दिखाएंगे। ये हो गया यहाँ पे अब जो है इधर आ जाइए टीका में आ जाइए थर्ड पैराग्राफ यस्मद्वैत अभव ठीक है अद्वैतम इतव तद वैचस्ते भेद विकल्प रहित शंखा विशेष विषयत्व अभाव कथम चतुर्थत्म इति आशंक आप इस प्रश्न में आएगा आपका प्रति प्रतीयमान पाद त्रय वैलक्षण्या चतुर्थ क्यों बोला जो प्रतीति हो रही थी पाद की जागृत स्वप्न सुषुप्ति किससे विलक्षण है इसके इसका विलक्षण है मतलब स्थान धर्म स्थानीय धर्म दोनों उसमें नहीं जो है बोलने के लिए बोलते हैं कि आप ये तो चतुर्थ रूप में तो है नहीं बोलते तो ये चतुर्थ रूप में समझाने के लिए नहीं है इसकी जो है जिस तीन स्थान के द्वारा इसको समझाया जाता है उस स्थान से विलक्षण है ये कहने के लिए कि चतुर्थ कहा गया ठीक है। तुरीयम चतुर्थम ये जो कहा गया है ये चतुर्थ नहीं है ये चतुर्थ से अभिप्राय का जो तीन स्थान के माध्यम से तीन पाद के माध्यम से पद्धति मत चल के आया उससे विलक्षण है इसको समझाने के लिए चतुर्थ शब्द प्रयोग किया आशंक प्रत्यमान पाद त्रय वैलक्षण्य का प्रतीति हो रहा है जो तीन पाद का उससे विलक्षण होने के कारण ठीक है ना। देखिए लिखे हैं इसके चतुर्थ तुरीयोः व्याख्यान व्याख्येयत्वेन अपौनरुक्तम तस्य उक्त विशेषणत्यपि मम किमायतम इति आशंक ठीक है भाई ये हो गया चतुर्थम तुरीयम् मन्यन्ते ऐसा है ना पद वहाँ पे कैसा है हाँ तो यहाँ पे ये चतुर्थ देखिए बोलते हैं चतुर्थ तुरीयो चतुर्थ तुरी आनंद गिरी जी क्या लिख रहे हैं चतुर्थ तुरीयो व्याख्यान व्याख्येयत्वेन ये एक हो गया व्याख्येय व्याख्येय मतलब ये व्याख्या करने योग्य है और व्याख्यान हो गया उसका अर्थ व्याख्यान व्याख्येय व्याख्या करने योग्य और ये उसका व्याख्यान ये ना तुरीय तुरीय हाँ क्योंकि उसके शब्द का इसके सूत्र उसका व्याख्यान ये बताएं चतुर्थ तुरीयोर व्याख्यान व्याख्यान यत्तेन अपुनरुक्तम इसी नाम का पुनरुक्ति दोष ये व्याख्यान है तो चतुर्थ तुरीय लगभग एक ही अर्थ होगा
तो बोलते नहीं नहीं ये तुरीय हमारे लिए नया शब्द, उसका व्याख्यान है चतुर्थ अपनरोक्तम तस्य। ठीक है, यहाँ तक कमा कर देना। ठीक है, इस प्रकार इतना विशेषण वाला जो आपने कहा प्रपंच प्रसम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम तुरीय मन्यन्ते। ठीक है भाई, प्रश्न हो रहा था आत्मज्ञान के से मेरा क्या विशेषता भी मुझमें क्या आया। तब बोलते हैं तस्य उक्त विशेषणते अपि तुरीय आत्मा में ये विशेषण होने पर भी मम किम आया था, मेरे को क्या लाभ हुआ इति आशंका। इसको उत्तर बोलते स आत्मा स विज्ञेय, वही तुम्हारा स्वरूप है, वही संसार में एकमात्र जानने योग्य वस्तु है। ठीक है ना, संसार को जानने योग्य वस्तु है। यहाँ पे दो नंबर टिप्पणी आ रहा है ना उसके ऊपर, स आत्मा के ऊपर प्रतीक के ऊपर स आत्मा इति स एव तमसी अभिप्राय क्या है, बस बहुत ही आत्मा को बोला जा रहा है जिसके यहाँ पे वर्णन कर रहा है प्रपंच वसम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम तुरीय मन्यते स तमसी। मैं बोल रहा था ना वो राजा कौन है, अरे वो तू ही वो राजा है, तू ही वो राजा है, यही यहाँ पे बोलना चाहते हैं। स एव तमसी इति तद विशेषण फलम तथा तब विशेषण तब तब आया तभी विशेषण का फल तुम्हारे अंदर है, मतलब तुम इतना शुद्ध हो, तुम असंग हो, तुम व्यापक हो, ये तुम्हारा ही गुण है, तुम्हारे बारे में कथन हो रहा है, दूसरे के बारे में नहीं। ये अभिप्राय है, ये इसका अभिप्राय तत्व है। अब देखिए आगे फिर टीका में देखिए, आत्मने यथक्त विशेषणानि न प्रतिभान्ति इति आशंक। आत्मा में इस प्रकार की विशेषण तो हमें तो प्रतीति नहीं होता है, बोलते तभी तो शास्त्र कहता है कि इसको जानो, यदि ये प्रतीति स्वाभाविक होती तो शास्त्र क्यों विधान करता तुम्हारे लिए। शास्त्र तो वो बोलते हैं तुमको जो तुमको सामान्य रूप से प्रतीति नहीं होती, सामान्य रूप से वर्ण प्रमाण के तरह यदि जान लिए होते तो शास्त्र को बोलने का आवश्यकता ही नहीं होता। शास्त्र बोलने मतलब तुमको सामान्य ज्ञान तो बोला, ये तो हमको लगता नहीं है, मैं ऐसा हूँ बोलते बिल्कुल सही बोल लो, लगेगा नहीं, यदि लग जाए तो शास्त्र क्यों बोलता था। इसी हम तो स्वाभिज्ञ, इसलिए शास्त्र बोलते हैं आत्मा हमारे दृष्टव्य, अपने को जानो, अपने को समझो। ठीक है ना, स्वाभिज्ञ तीन नंबर टिप में स्वाभिज्ञ तथा चाह विज्ञान सति तई तई प्रतिभाषांति, यदि इसको जान लोगे तो ये सारा चीज तुम्हारे अंदर देखने लग जाएगा, तुम्हें देखने लग जाएगा, आत्मदृष्टि करो देखने लग जाएगा, ये बोलना चाहते हैं स्वाभिज्ञ। तदेव व्याचष्के उसी को व्याख्या करते हैं भाष्य में, प्रतियमान सर्प भूछिद्र दंडादि व्यतिरिक्त यथा रज्जु तथा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य अर्थ। यहाँ पे कमा करते हैं जिस प्रकार क्या बोल रहे हैं, हमको वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, भूछिद्र जलधारा माला दंड सर्प आदि दिखाई दे रहा है, वो प्रतीति क्या हो रहा है, भूछिद्र जलधारा माला दंड आदि, उस प्रतीति को हटा करके वहाँ पे रज्जु है, ये ज्ञान होने पर ये हट जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ बोलते हैं प्रतियमान सर्प भूछिद्र दंडादि व्यतिरिक्त यथा रज्जु, जैसे रज्जु इसी प्रकार प्रतियमान, प्रतियमान क्या जागृत स्वप्न सुषुप्ति उससे भिन्न आत्मा, ये बोलते हैं रज्जु तथा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य अर्थ। इस प्रकार तत्त्वमसि वाक्य में समझा गया पूरा सृष्टि को बताया, सृष्टि को बताने के बाद फिर उसके सूक्ष्म अंश जिससे ये सब कुछ आया वो तुम्हारा स्वरूप स जयेश आत्मा अत आत्मिदगम सर्व स आत्मा तत्त्वमसि शेत स जयेश अनिमा, ये जिसका सूक्ष्म है वो तुम स्थूल नहीं हो, स्थूल के अंदर छुपा जो सूक्ष्म अंश है वो तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए बोलते हैं यही है जिसके ऊपर में जो वस्तु प्रतीति हो रहा है, इस प्रकार मैं स्वामी सर्वानंद हूँ छाती ठोक के कहता है मैं स्वामी सर्वानंद हूँ, बस इस प्रतीति को हटाओ, इस प्रतीति को हटाओ, है ना, इस हटाने से तुम्हारा शास्त्रीय स्वरूप जो है वो अपने आप अभिव्यक्त होते आ जाता है तथा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य का अर्थ। ठीक इस प्रकार से तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ होता है, यहाँ भी ऐसे समझना चाहिए आत्मा कौन है। देखो इतना सुंदर शब्द बोला, अदृष्ट दृष्टा अस्तुत श्रोता अमतो मंता अभिज्ञातो विज्ञाता, विदर्भ कहेंगे अस्तुत श्रोता अमतो मंता अभिज्ञात, मतलब जिसके बारे में सुना नहीं जाता परंतु जो सबका सुनता है, जिसको देखा नहीं जाता परंतु जो सबको देखता है, जिसको मनन नहीं किया जाता परंतु जिसके कारण रहने के कारण सबको मनन होता है, जिसको जाना नहीं जाता परंतु जिसके रहने के कारण आप सब जानते हैं। ये आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, अदृष्ट दृष्टा मतलब क्या है, जो जिसको नहीं अदृष्ट मतलब जिसको नहीं देखा जाता परंतु है कैसा दृष्टा अपने आप दृष्ट, अदृष्ट दृष्टा अस्तुत श्रोता मतलब जिसके बारे में सुना नहीं जा सकता है परंतु जो सबका सुनता है, जिसके बारे में मनन नहीं किया जा सकता परंतु जिसको रहने के कारण मनन कर सकते, ऐसा करके वेदन शुरू कहते हैं। इसलिए बोलते हैं आत्मा अदृष्ट दृष्टा
और केवल इतना क्योंकि वो अदृष्ट दृष्ट क्यों है नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीलोक विद्यते अविनाश ये कल आया था मैं बोला था दो आपका दृष्टि है एक नित्य दृष्टि एक अनित्य दृष्टि अनित्य दृष्टि आपकी है और आपकी इस अनित्य दृष्टि को देखने वाला एक नित्य दृष्टि वाला आत्मा है वो नित्य दृष्टि है दृष्टि मतलब देखने वाले का दृष्टि उसकी दृष्टि का वो जो देखने वाला है उस देखने वाले की दृष्टि का कभी विपरीलोक नहीं होता ये जो ऊपर से देखने वाला इसका दृष्टि का विपरीलोक होता है परंतु उस इस दृष्टि को देखने वाला जो दृष्टा है उस दृष्टा की दृष्टि का कभी विपरीलोक नहीं होता दृष्टुर दृष्टि कल आया था विज्ञातुर विज्ञाते दोनों सृष्टि है वहां पे अर्थ करते है कोई बात ही नहीं एक सृष्टि को बोलते इसका अनर्थक है भगवान भाष्यकार बोला वहां पे कि अरे सुखी बात को एक जगह का अनर्थक नहीं है दृष्टि का दृष्टा जो दृष्टि का जो दृष्टा है उसको बोला दृष्टुर दृष्टि उसके सृष्टि का विपरीलोक नहीं होता एकमात्र जानने योग्य है इति अब जो है आप अभी थोड़ी देर पहले भूल करके आया कि अंतकरण शुद्ध होने पर जो क्या होता है कि आप निषेध को सुनते ही आपका स्वरूप का बोध हो जाता है तो बोध हो गया फिर विज्ञ श्रुति सब विज्ञों को फिर बोल रहे सविज्ञ श्रुति का अभिप्राय क्या है जब निषेध कर दिया तब यही तुम्हारा स्वरूप है इससे आपका ज्ञान होगा तो फिर विज्ञों की बोल रहे तो भूतपूर्व करता मतलब तुम्हारा अज्ञान दशा में जो स्थिति थी उसका मतलब शास्त्र अज्ञानी के लिए ज्ञानी के लिए शास्त्र नहीं इसलिए विज्ञ भूतपूर्व करता ठीक है समझ में आया भूतपूर्व करता क्यों बोल रहे हैं भूतपूर्व ग्राम प्रधान था भूतपूर्व ग्राम प्रधान जो पहले था मतलब अज्ञान दशा को लेकर के शब्द प्रयोग किया जाता है क्यों श्रुति बोलते हैं ज्ञाते द्वैत अभाव ज्ञाते द्वैत ज्ञान न होने पर द्वैत का अभाव हो जाता है ठीक है इसको थोड़ा सा दो सौ लैंटी का है तदैव व्याचष्टि इसी को व्याख्या करते हैं मतलब आत्मा में हमें प्रतीति नहीं होती जो बोलते हैं जो प्रतीति होते तो हम बोलते हैं क्यों तुमको विपरीलोक विद्यते अविनाशित्व उसको साथ लेकर के बोल आनंद गिरी जी ने भाष्य का उसको जोड़ दिया था मतलब ये अविनाशी तत्व अभिकारी तत्व है इत्यादि वाक्यानि इस प्रकार के जो वाक्य है वहाँ पे दृष्टुर स्वरूप कहे हैं प्रतीक उपादानेन इस वाक्यों का प्रतीक को लेकर के मतलब अनेक वाक्य है केवल एक उठा करके देखा करके दर्शयति उसको भगवान भाष्य का दिखाते हैं क्या कि कूटस्थ नित्य वस्तु के है यहाँ पे उसको दिखाया नहीं दृष्टुर दृष्टि बिल्कुल आत्मनि अव्यवहार्य कुतो विज्ञेयत्वम आपने अभी बोला कि आत्मा समस्त व्यवहार से रहित है तो फिर विज्ञान तो कैसे होगा जानेंगे कैसे जानने योग्य कैसे बोल रहे हो जानने योग्य हुआ मत हमारे इंद्रियगम्य होगा अथवा मनोगम्य होगा आपकी बात का कोई ठीक नहीं है कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं ऐसा कैसे बोलते हैं श्रुति के ऊपर आक्षेप है तो बोलते हैं कि आत्मा ने अव्यवहार्य कुतो विज्ञान आशंक बोलते हैं भूतपूर्व अविद्या अवस्थाया जहाँ ज्ञेयत्व आख्या अवगति तया इदानी अभी विज्ञेयत्व मुक्त विद्या अज्ञान दशा में जो जिस अज्ञान के कारण हम अपने इस अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे थे इसीलिए हम बार बार बोलते हैं आत्मा को ठीक से देखना सीखो आत्मा को ठीक से देखो उसी को मन में रखते हैं यहाँ पे श्रुति कहती है लेकिन आत्मा ने अव्यवहार जो कुतो विज्ञेयत्व इति आशंको आत्मा जो बिजके कोई व्यवहार नहीं हो सकता उसमें विज्ञेयत्व धर्म कहाँ से आ जाएगा ऐसा तो शंका करते हैं तब बोलते हैं भूतपूर्व भूत मतलब अविद्या अवस्थाया अविद्या अवस्था में जा ज्ञेयत्व आपका वहाँ के बारे में अविद्या दशा में क्या बोलते हैं कि एक को जानो सारा ज्ञान हो जाएगा एक को जानो सारा ज्ञान हो जाएगा इसलिए जो वेदांत की एक विशेष विशेषता है एक ज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है ना उत्तम आदेशम अप्राक्ष जना श्रुतम श्रुतम भवतम अभिज्ञातम विज्ञातम भवति अथवा कस्मिन् भगव विज्ञात सर्वविदं विज्ञातम भवति इस प्रकार एक तत्व के ज्ञान से मतलब मूल कारण को जान लोगे तो सारा उसका विकास ज्ञान हो जाता है इसलिए मतलब उस अवस्था को मन में रखा अविद्या अवस्थाया जा ज्ञेयत्व अक्षर अवगति जो होगी इसको जानने योग्य इस प्रकार जो कथन किया गया था इसलिए जो बोध हुआ था तया इदानीम अपि विज्ञातम उसी के बना करके उसके द्वारा ही इस समय को जो वही संसार में एकमात्र जानने योग्य है अथवा मैं तो बोलता हूँ भूतपूर्व गत्तने
ये एक सावधानी साधक के लिए। यदि मान लीजिए आप आगे बढ़ गए, आपको समझ में आ भी गया, सावधान मैं तो जान गया क्या करना है, नहीं नहीं विवेचन स्पष्ट होते हमेशा उस भाव में रहने का कोशिश करें, हमें इस रीति उसी बात को ही जानने जो प्रवस्त है उसी उसी भाव में रहने का कोशिश करना चाहिए। इसलिए तया इधानी विज्ञानता उत्तम पूर्वगता विद्या अवस्थायाम एवं किम इति ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञेय विभाग न भवन्ति तत्र। क्यों विद्या अवस्था में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय नहीं रहेगा क्या विज्ञान अवस्था में? तो नहीं, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जब ज्ञान हो जाएगा तब तो आपका भेद दृष्टि मिल जाएगी, भेद दृष्टि होने पर तब क्या हो जाएगा, ये ज्ञेय है ये ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ और इसके द्वारा बुद्धि के द्वारा उसको जान कर भी भेद रहेगा, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद रहेगा। बोला कि ज्ञान होने पर क्या होता है, प्रमाता मर जाता है, जब प्रमाता ही मर गया तो कहाँ पे प्रमाण और प्रमेय व्यवहार होगा, प्रमाता को मार करके ही पूर्णता का अनुभव होता है, उसको मार के प्रमातृत्व रहेगा मतलब आप बुद्धि को ज्यादा खत्म करते हैं, प्रमातृत्व को मार करके ही हमारे ज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए अभी बोलते हैं कि विद्या अवस्थायाम एव किम इति ज्ञान की ज्ञान ज्ञेय विभाग न भवन्ति तत्र। नहीं नहीं वहाँ पे नहीं होता, ज्ञाते द्वैत अभाव, ज्ञान देने पर द्वैत का अभाव हो जाता है, ज्ञानेन तत्कारणस्य अज्ञानस्य अपनित्वात्। क्योंकि भेद दृष्टि का कारण क्या है, अज्ञान, ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटा करके ज्ञान होता है ना, जिस वस्तु संबंधित ज्ञान होगा सामान्य तो वस्तु संबंधित अज्ञान को नाश करके उत्पन्न होगा, परंतु क्या होता है भेद दृष्टि को नाश करके एकत्व बुद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए बोलते हैं ज्ञानी न तत् कारण मतलब भेद देखने के पीछे जो कारण था अज्ञान, वो अज्ञान से अपनित्वात् हटा दिया गया इस कारण से इति अर्थ। इस प्रकार से सातवां मंत्र नंबर समझ चल रहा है, कई सूत्र मुझे ध्यान में समझा दिया, आज यही भी रखते हैं फिर कल। अच्छा कल परसों नरसो, कल शिवरात्रि है, परसों अमावस्या है, अनंत प्रतिपदा है, ये तीन दिन की अवकाश रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मंदिर में काम काम रहने वाले होते हैं तो तीन दिन का अवकाश रखते हैं, थोड़ा अभ्यास भी हो जाएगा इसको बैठ करके थोड़ा। शिवरात्रि मतलब शिव शब्द का अर्थ क्या किया, कल्याण कल्याण मंगलमय रात्रि, तो शिवरात्रि में बैठ करके आत्मचिंतन करें सबसे कल्याणकारी वस्तु होगा, करना ही चाहिए, यही इसलिए यही सबसे अच्छा शिवरात्रि है। ओ अच्छा अनु बोले गया लास्ट में क्या है, अजम पहला वाला आज अजम अपि यनियोगम प्रापदैश्वर्य योगा अगति न जगति मत्तां प्रापदेकं यनेकं विविध विषय धर्मं ग्राहि बुद्धे क्षणानां प्रणत भय विहन्त्री ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि।